शिमला के दूर दराज के क्षेत्र गानवी में मल्टी स्पेशलिटी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की विभिन्न चिकित्सक जांच के अलावा मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी और आर्यवत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के सौजन्य से किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने किया। इस शिविर में जधोरी, गानवी, लावना, साधना, सपारा आदि के लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के अलावा अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि दूरदराज इलाकों में जवाबदेही चिकित्सा विकट परिस्थितियों के कारण संभव नहीं है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को दूरदराज में जाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि गानवी में समस्याएं भी उन्होंने सुनी हैं। उन्होंने आर्यवत एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के कार्य की भी सराहना की। बात करेंगे और इस तरह के और भी हम कैंप आगे आने वाले समय में करेंगे, तो इसमें प्रशासन का भी योगदान रहेगा। इसमें जो मेनली जो है हमारा आर्यवत एजुकेशन सोसाइटी का जो है मेन योगदान है, और इसमें हमारा जो जिले का जो रेड क्रॉस सोसाइटी है और उसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी यहाँ पे आए हैं, जैसे कोई स्पेशलिस्ट है, कोई हाई स्पेशलिस्ट है और कोई अन्य भी जो डॉक्टर आए हैं, और जो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी लाए गए हैं, तो वो सारे जो है विभिन्न विभागों द्वारा, सरकार द्वारा भी दिए गए हैं। आर्यवर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के चेयरमैन कॉल नेगी ने बताया कि उनकी संस्था सामाजिक एवं कल्याण से जुड़े कार्यों में लगातार प्रयासरत है। सोसाइटी ने विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविर, पौधारोपण जैसे कार्य किए हैं और लोगों को सुख सुविधा एवं सेवाएं पहुंचाने का भी प्रयास किया है और भविष्य में भी ये जारी रहेगा। सोसाइटी जिला शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आर्यवर्त सोसाइटी द्वारा आज इस तरह का मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें ऐसे मेडिकल चेकअप और निःशुल्क टेस्टिंग और निःशुल्क ही दवाइयाँ दी जाएगी। इस तरह के कैंप ऐसे हम रामपुर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में भी लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में, और इस कार्यक्रम को, इस कैंप को सफल बनाने के लिए ऐसे 15-20 क्षेत्र की सभी पंचायतों के पंचायत प्रधान, महिला मंडल के प्रधान, युवक मंडल के प्रधान, इन सभी का मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और इस तरह का कार्यक्रम आने वाले समय में भी हम अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे।